बता दी। संजय भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब हमारे लिए ही लगे हुए हैं ताकि हमको आने में कोई तकलीफ ना हो, रास्ता ना भटक जाए। इसके लिए इतना ऊपर चढ़ने में हमको तकलीफ हुआ, लेकिन ये चढ़ने के बाद इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए, एक बार क्लैप तो होता है। जन्नत है, जन्नत सच। देखो फैमिली, इस सामने जो बादल दिख रहे हैं ना, बस उसी के बीच में हम लोगों को एंटर होना है, इसलिए बने रहिए, कहीं मत जाइए। बारिश शुरू हो चुकी है, बस ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बीच में ही फंस जाएंगे। फिर नीचे उतरते टाइम कीचड़, ते ऊपर आके बादल चालू हो गए। ये है हम आसमानों की ऊंचाइयों में, कोहरा ही कोहरा। मम्मी आते हुए, पापा भी धीरे धीरे दिखते हुए, बाप रे बादलों के बीच में आ गए। पहले पता है छोटी थी ना, मेरे को लगता था बादल ने जी कॉटन कैंडी जब दिखते होंगे। बड़े होके पता चला मम्मी लोग सब मामू बनाते थे बचपन में। अच्छा यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी क्या? हाँ, तो वो एकदम ऊपर में वहाँ फिर क्या है? वहाँ पे जन्म। अच्छा तपस्या यहाँ पे हुई, जन्म स्थान वहाँ का है। अच्छा, और ये जो कुंड बना है उसका क्या मतलब? उसको हवन कुंड बोलते हैं। अच्छा, वो जो बोलते हैं यहाँ पर वो हवन होता है तो हनुमान जी की आकृति आती है, आग में दिखती है, वही वाला है क्या? नहीं नहीं, ये नहीं, पर यहीं पे होता है ना हवन? मैं ऊपर भी, ऊपर भी हवन कुंड। अच्छा, जैसे कि हमें भैया ने बताया था कि ये अंजनी माता का ध्यान मंदिर है, यहाँ पर अंजनी माता ने 108 साल तक शिवजी भगवान की तपस्या की थी। फैमिली, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये हनुमान जी का पैर है। जब बचपन में हनुमान जी छोटे थे तब उन्हें भूख लगी थी और अंजनी माता को उन्होंने खाना मांगा, तब अंजनी माता ने उन्हें एक पेड़ की तरफ इशारा किया कि इसमें फल लगे हैं और इसे खा लो। तो उस इशारे को समझे हनुमान जी, ऐसा ऊपर में ही सूरज चमक रहे थे और उन्हें ऐसा लगा इसे ही खाना है, वो फल समझ के उसी को खाने के लिए उन्होंने छलांग मारी थी। वो फल खाने के लिए जब उन्होंने छलांग लगाई यानी सूरज को निकलने के लिए, तब उनका जो लेफ्ट पैर था वो जब जमीन पे पड़ा था उससे उन्होंने प्रेशर दिया था तो वहाँ पर ये तालाब बन गया, जो कि पूरे पैर का एक जो हमारे उल्टा पैर होता है उसकी आकृति में बना हुआ ये तालाब है।
शब्दों में तो बयान भी नहीं कर सकती, और आपको इस कैमरे में भी ये नहीं समझ आएगा इसका मतलब कि आप क्या ले सकते हो। दोस्तों फाइनली यहाँ तक पहुँच गए, 1000 साल से हम चढ़ी रहे और अभी आके यहाँ पे समाप्ति की घोषणा मुझे दिखाई दी है। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पहाड़ से उस पहाड़, उस पहाड़ से उस पहाड़ करके मैं नागपुर पहुँच जाऊँगा। भाई भाई साहब बहुत है, भाई साहब मजा आ गया। इधर देख ले भाई साहब, ये पास में वो झंडे देखो, इनके हाथ में ना ये देखो भाई, जम गई है। ये कुरकुरी मची हुई है, देखो भाई साहब देखो देखो ये देखो, ऐसा लग रहा है कोई बर्फ की चादर हमने ओढ़ी हुई है हमारे शरीर पे। मजेदार लज्जेदार ये पहाड़। पता है गाइस, ये है ना आधे बीच में इन्होंने गिव अप कर दिया था, बैठ गए थे एक जगह, लेकिन वो जो चढ़ रहे थे ना ऊपर, वो लोगों ने बोला कि ऊपर जाओ, सच में वर्थ है, मतलब ऊपर जाओगे ना तब आपको लगेगा कि भले थोड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ी लेकिन बहुत मजा आएगा। और अभी ऊपर चढ़ के उन्होंने वो ही बोला कि मतलब पांडव कैसे ऊपर चढ़ते चढ़ते उनको स्वर्ग मिला था, तो यही बोल रहे कि ये तो हमें चढ़ते चढ़ते रियल स्वर्ग जो है ना वो यहाँ दिख गया। ये पास में आए दूर से बादलों के बीच में खाली एक ध्वजा दिख रही थी ना, तो देख के खुश हो गए, बोलते अब मेरा चलना खत्म हुआ, लेकिन पास में आके पचका हो गया, यहाँ पे खाली ध्वजा है। फाइनली मंदिर आ गया, ये बना यहाँ क्या हनुमान को नया था, नहलाया था, यानी बॉर्न हुए तब, बॉर्न हुए तब। अच्छा, तो इधर जब हनुमान को क्या बोलते हैं यज्ञ करते थे ना, अच्छा। जब हनुमान की मूर्त आती थी इधर, मतलब अच्छा। छाव आती थी, अच्छा हाँ। ये अभी हमने ना थोड़े टाइम पहले इसका वीडियो भी देखा था कि जब विश्व शांति के लिए यज्ञ चल रहा था ना, तब भी उसमें जो हनुमान जी की आकृति आई थी, तो वो व्हाट्सएप में बहुत वायरल हुआ था, क्या वो सच है? हाँ वो सच है। अच्छा, और यहाँ पे मतलब इस मंदिर में अंजनी माता ने तपस्या की थी क्या? हाँ अंजनी माता ने अंदर तपस्या की थी, और फिर यहाँ पे हनुमान जी बॉर्न हुए, वो वहाँ पे पूजा करते थे। अच्छा ओके, वहाँ पे वो क्या बोलते शंकर भगवान की, नहीं हाँ शंकर भगवान की पूजा करते थे वहाँ पे। और वहाँ पे ना वो क्या बोलते हिंदी तो ज्यादातर आती नहीं, मराठी में, मराठी मराठी में बोलो। हाँ, उधर वायु भगवान आए थे, अच्छा अंजनी को वो फल देने, अच्छा वहाँ पे दिया था। ओके, यानी वो पवन पुत्र हनुमान कहलाते हैं, इसलिए वायुदेव ने वहाँ पे उनको फल दिया था, को फल दिया। बराबर। और वो नीचे जो एक मंदिर बना हुआ है, तो वो ध्यान मंदिर लिखा है, अंजनी माता का ध्यान मंदिर। उधर मतलब वो उधर छोटा जब था ना हनुमान, हाँ 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 हाँ, तो जब उधर उनकी बाल लीला जो है, बाल लीला मतलब बड़े वहीं पे हुए, हाँ बड़े वहीं पे हुए, जन्म इधर। फ्रेंड्स, ये विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें अंजनी माता की गोद में हनुमान जी बैठे हुए हैं। और फैमिली, ये इसी जगह पर ऐसी मान्यता है कि राम सीता और लक्ष्मण जो है वो वनवास के दौरान उन्होंने यहाँ पर निवास किया था। आप लोग गुजराती? हाँ गुजराती। कैसा लगा यहाँ पे ऊपर ऐसा
तो हम लोग को इतने सारे गुजराती मिले ना, तो बहुत गुजराती, हम भी यही बोल रहे थे कि बहुत सारे गुजराती हैं। महाराष्ट्र में, राइट राइट। आप लोग कहाँ से आए हो? जामनगर से। जामनगर से, यानी फैमिली कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ विजिट करने के लिए, तो विजिट करना बनता है, आप भी जरूर से आइए। ओके, सही बात। हेलो, यानी आप पांच लोग एक साथ में आए? साथ में एक तो नीचे है। यानी एक ने गिव अप कर दिया? हां, एक ने गिव अप कर दिया। हमारे साथ आना ना वर्थ था, बहुत ऊपर था लेकिन वर्थ। मैं भी ऐसा लगा कि मैं बैठ जाता हूं, ये मेरे को तीन चार लोग मिले ना जो बोले कि भैया रुकना मत, चले जाओ ऊपर ऊपर चलो। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, मिलेंगे फिर, बाय बाय, थैंक यू। ठंडी ठंडी माम, गरम गरम मैगी खावा, घरे आटली मजा नहीं आवे जेटली आई यहाँ। यानी घर में इतना मजा नहीं आएगा जितना आप यहाँ ठंडी में गरम गरम मैगी एंजॉय करोगे। फैमिली, बस अब हम रिटर्न हो रहे हैं और एक रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स में और बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो